इसी नंबर को अब अगर आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ें तो क्या होगा, जरा यहाँ से गौर फरमाइए, समझिए। अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ें तब, अब सबसे ऊपर वाली लाइन आप लेंगे, ठीक है। मुझे एक रेड मार्कर ले लेने दो, फिर मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे समझो, अगर मैं इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बात करूँ, यहाँ से समझो, तो भैया दो यहाँ है ना, यह किसके ऊपर तक जा रहा है, जरा समझो। यहाँ यम तक आ रहा है ना, इसके सीधे में चलो तो कहाँ तक आ रहा है, यम तक, यानी ये मिलियन वाले कालम तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, मिलियन वाले कालम तक जा रहा है। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की एक खासियत है, हमें पीछे से तीन तीन अंक पे कामा लगा देना है, पीछे से। पहले तो ये कामा इसमें से हटा दो, जो कहीं लगाए हो किसी मतलब से उसको हटा दो, पीछे से तीन तीन अंक पे कामा लगाओ, एक दो तीन, ठीक है, एक दो तीन, ये देखो तीन भाग में हो गया। यानी कहने का मतलब ऐसे समझ लो, जैसे अगर हमें खाना खाना है तो जो खाना हम दो तीन ग्रास में खाते हैं, जो कवर बोलते थे देसी भाषा में, हाँ मान लो हमें चार रोटी खाना है तो चार रोटी मान लो हम उसे 10 टुकड़ों में तोड़ तोड़ के खाएंगे, हाँ भाई तो बहुत कम हो गया, चार रोटी में एक रोटी मानो, ठीक है। एक रोटी के अगर मान लो हम 10 टुकड़े करके खाते हैं तो वही अमेरिका वाले चाइना वाले ना एक रोटी के 3 टुकड़े हम खा जाते हैं, हाँ मतलब वो ज्यादा ज्यादा मात्रा में। कैसे, देखो अगर इसको हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात ना करें, हिंदी में बोलें तो कैसे पढ़ रहे थे, 21,55,917, भाई ये तो दोनों में बराबर है, हो रहा है। उसमें भी हम लोगों ने 3 बार में यूज किया था 21,55,917, इसमें भी 3 बार में यूज होगा, समझो। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था वहाँ पे देखो 2 बार में बोला जाता था और हम लोग 3 बार में बोलते हैं, हाँ। जैसे अगर ये मान लो गिनती 7 अंक की ना होकर 6 अंक की होती तो हम लोग उसको 3 बार में बोलते हैं, जबकि इंटरनेशनल में 2 ही बार में बोलते हैं, अभी भी मैंने पीछे बताया था ना, अब समझो। तो इसको इंटरनेशनल में अगर बात करें, देखो 3 पार्ट में हो गया, यम तक आया मतलब मिलियन, यानी इसको मिलियन के नीचे क्या है, दो, तो हम बोलेंगे क्या, 2 मिलियन, क्या बोलेंगे, 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन। उसके बाद 55 कहाँ है, 10,000 के नीचे है ना, 10,000 के नीचे है ना, 10 का मतलब 2 गिनती निकाल के हमें बोलना, याद रखना। तो 10,000 के नीचे क्या है, 5 है, तो इसके पीछे वाला भी 1 में ले लेंगे, क्योंकि 10 का मतलब 2, भाई 10 में इकाई दहाई दोनों होती है ना। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, 2,55,000, क्या गड़बड़ा रहा ना कुछ, ये जो मैंने कामा लगाया ना ये चीज गड़बड़ हो रहा है मुझे लग रहा है, ये चीज लग रहा है मुझे गड़बड़ हो रहा है। देखो समझो कैसे, यहाँ पे देखो एक चीज तो हम लोग नजरअंदाज कर दे रहे थे, वो क्या है, इसी वजह से ये इसको गड़बड़ा रहा था, वो ये है कि 2 मिलियन तो हम बोल दे रहे हैं, 55 का हिसाब कर रहे हैं, लेकिन ये चचा को छोड़ दे रहे हो बीच में, हाँ चचा का हिसाब जरूरी है भाई, ये कहाँ तक आए हैं, 100,000 तक आए हैं ना, 100,000 ना, तो 2 मिलियन, ये 100,000 का मतलब 100 में 3 गिनती होती है ना, कामा भी 3 पे लगा है, तो ये तीनों मिला के एक ही बार में बोला जाएगा, तो इसे बोलेंगे 2,155,000, ठीक है, 2,155,917, समझ रहे हो ना, 155,000, आप लोग लिख लो जो लिखना चाहो, मैं स्पेलिंग तो बोल ही रहा हूँ, 1,917। तो ये हो गया इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का मुख्य अंतर जो आप समझ रहे हो, अभी और समझो, अभी जाना नहीं, एकदम घोल के पी जाओ, नहीं अभी खोपड़ी में बस रहा है, एक बार देख लो, एक बार फिर शाम तक देख लेना। वैसे ये क्लास आपने PVR स्टडी ऐप में विशेष रूप से ले रखी होगी तो आपको पूरा मिल गया होगा, इसका पूरा पार्ट कम से कम 1 घंटे में मैंने अच्छे से समझाया है, पूरा डिटेल में, फुल डिटेल में एक्सप्लेन, अभी और समझो, ये हो गया इतना। तो ये तो हम लोग यहाँ तक पैर पसार चुके हैं, अगर हम और आगे थोड़ा पैर फैलाएं तब क्या होगा, हाँ समझते चलो, समझते चलो भैया। अगर मान लो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया, चलो अब तो सारी कहानी फिर बदल जाएगी, जो कामा वामा लगा है, हाँ अब कोई इसको मुझे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ के सुनाए जल्दी, चलो फटाफट बताओ, नहीं तो आप लोग अपनी कापी में लिखो, मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो मैं, मान लो चलो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में इसे क्या बोलेंगे बताओ, चलो जल्दी करो, फटाफट जल्दी करो, देखो समझो। हम अभी इंटरनेशनल में पढ़े हैं तुरंत जस्ट, इसलिए फिर उसी में बोलेंगे। हाँ सबसे पहले मैंने बताया था पीछे से हमें 3-3 अंक पे कॉमा लगाना है,
बिना कुछ करे यहाँ से 3 अंक पे कामा लगाओ, यहाँ से भी 3 अंक पे कामा लगाओ, अभी भी ऐसे ही हुआ था। तो ये देखो कहाँ तक जा रहा है, 10 मिलियन ना, 10 मिलियन के नीचे जा रहा 3 ना। तो भैया 10 का मतलब है कि 2 गिनती होगी, अगर 100 आता तो मतलब 3 गिनती पकड़ेंगे, अगर कोई केवल मिलियन के नीचे आया इसका मतलब अकेला सिंगल, लेकिन अगर 10 मिलियन की बात हुई मतलब डबल तुरंत हो जाएगा, अगर 100 मिलियन की बात हुई तुरंत 3 गिनती अर्ज जाएगी उसमें, समझ रहे हो। तो ये 10 मिलियन बोला इसलिए 2 गिनती, यानी 32 मिलियन, क्या लिखोगे 32 मिलियन। बाकी पीछे की कहानी वही पुरानी है, 32 मिलियन के बाद 155,917, समझ गए ना। तो ये था आपका क्या, इंटरनेशनल इंडियन, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन में बात करें तो क्या पढ़ेंगे भैया, इंडियन में मैंने आपको बताया था कि 2-2 गिनती पे कामा लगता है, कल अल्लू यही तो बताया था ना, 2-2 गिनती पे कामा लगता है, वो भी किधर से, अब मालूम नहीं किधर से ना। चलो देखो समझो, कामा तो पीछे से ही लगेगा, 2-2 गिनती पे लगता है, मुझे तो यही पता था। देखो 2-2 गिनती पे लगा के, चलो 2-2 गिनती पे लगा लो चचा, समझो हाँ, ये तो सब 2-2 पे लग गया बराबर बराबर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखो कहाँ आया हमारा, करोड़ के नीचे आया ना, करोड़ के नीचे आया ना अकेला। अब हमें सिर्फ सी से मतलब है, ऊपर वाले से नहीं मतलब है, हम इंडियन में पढ़ने जा रहे हैं। तो 3 करोड़ क्या बोलेंगे, 3 करोड़, अभी कामा वामा हटाओ, यहाँ पे कामा नहीं काम करेगा, बताऊंगा अभी बाद में। 3,21,55,917, समझ रहे हो ना क्या बना, 3,21,55,917। आपको सिर्फ ये चीज समझना है कि इसके नीचे जा रहा है ये। अब कहीं कोई नंबर अगर पढ़ना होगा तो तुम पूरी ये पटरी तो बनाओगे नहीं जैसे मैंने बनाया है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में रहेगा, गिन लोगे ऐसे, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ दस करोड़ ऐसे करके गिन लेना, ठीक है, समझ गए ना। तो इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, इंटरनेशनल में पढ़ेंगे भैया 32,155,917, जबकि इंडियन नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे 3,21,55,917। देसी भाषा में हिंदी में पढ़ो तब भी वही पढ़ेंगे, हाँ हिंदी में ही तो मैं बोल रहा हूँ इतना देर से, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, इंडियन नंबर सिस्टम में इंग्लिश में 3,21,55,917। देखो इंडियन नंबर सिस्टम में मैं 2 लैंग्वेज बता रहा हूँ, एक हिंदी एक इंग्लिश, जबकि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में एक ही लैंग्वेज है, ओनली इंग्लिश, समझ गए ना। तो आप लोग हमारी बात कुछ समझ रहे हो, दिमाग में घुस रही कि नहीं, समझ रहे हो ना। चलो फिर समझ रहे हो तो फिर देरी किस बात की है, कुछ नंबर दे देता हूँ आप लोग, उनके नाम लिखना और फिर मुझे बताना। चलो देखिए ये कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इन्हें लिखोगे, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम दोनों लैंग्वेज में आप इनको लिखोगे और फिर मुझे बताओगे, ठीक है, इसमें किसी को कोई आफत नहीं होनी चाहिए, आप लोग इनको लिखोगे। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में तो बता देना। क्लास 6 का जो आपका चैप्टर है ना पहला, मतलब जो स्टार्ट है कक्षा 6 की मैथ, वो इसी पर आधारित है, सारी कहानी इसी पर है, वो सब आप लोग अब कर लोगे बड़े प्यार से, एकदम धुआं धुआं कर दोगे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही, अगर आपने इस क्लास को PBR स्टडी एप्लीकेशन में लिया था तो आप लोग अगला पार्ट देखिए फटाफट, अगर आप इसे कहीं और डेमो के रूप में देख पा रहे हैं YouTube पर या Facebook पर, तो PBR स्टडी ऐप डाउनलोड करिए, पूरा कोर्स एनरोल करिए। हाँ, इसका आंसर चेक कराने के लिए आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, कैसे चेक होगा, क्या होगा, क्या होगा, कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग एक काम करना, क्या सभी जितने भी बच्चे हैं मुझे लगता है सब चलाते होंगे इंस्टाग्राम चलाते हो ना, आप लोग इन सभी को हल कर करके इंस्टाग्राम पे क्या करना, पोस्ट करना और हमें उसमें इनरोल कर देना, ठीक है, जानते हो करना कि नहीं है, हाँ वहाँ पे हमारी तरफ से सारे आपके आंसर जो भी स्टूडेंट किए रहेंगे चेक हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आप @PBR Study को ट्विटर पर टैग कर देना सारे आंसर इसको हल करके, ठीक है, करके वहाँ पे आपका चेक हो जाएगा, वहाँ पे आसान होता है। व्हाट्सएप में भेजते हो तो बहुत सारा मैसेज आता है, फिर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है।
अगर नहीं मालूम है ये सब क्या है कैसे करते हैं तो नंबर दिया गया उस पर हेल्प कर लेना। बहुत बहुत थैंक यू फिलहाल आज के लिए, इतना ही। जय हिंद।